हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम आपको दो तरह के हेयर पैक बताएंगे जो आपके हेयर ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाएगा और बालों को नरिशमेंट भी पहुंचाएगा ये दोनों हेयर पैक जो है एक है मेहंदी से जो कि पपीते के पत्ते से तैयार होगा और दूसरा ये वाला हेयर पैक है जो आपको वीक में एक दिन ज़रूर लगाना होगा तभी आपको चेंज नज़र आएगा तो चलिए इसको बनाते हैं इसके लिए हम पपीते के पत्ते ले लेंगे वो ताज़े होने चाहिए इनको तोड़ करके अच्छे से इनको वॉश करेंगे आपके बाल का लेंथ जितने आप हिसाब से ले सकते हैं अगर बड़े पत्ते हैं तो चार पत्ते काफ़ी है छोटे हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा इनको अच्छे से वॉश करेंगे और इसकी डंटी निकाल देंगे फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे कट करने के बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लेंगे पत्तों को पानी डाल के ग्राइंड करेंगे ताकि इसका एक पतला सा पानी जैसा लिक्विड तैयार हो जाए और फिर इस तरह से दबा दबा के सारा रस हम निकाल लेंगे और हम जाली का यूज़ करेंगे ताकि ये जो रेशे हमारे बालों में फंस ना जाए तो ये पपीते का रस रेडी है इसको हम मेहंदी में मिक्स करेंगे इधर हमने पतंजलि का मेहंदी ले लिया है मेहंदी को मैंने एक लोहे के बर्तन में ले लिया है मैं हमेशा लोहे के बर्तन में ही मेहंदी तैयार करती हूँ क्योंकि इससे जो है बालों में कालापन अच्छा आता है अभी हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे हम यही पपीते के जूस को इसमें ऐड करेंगे अगर आपके पास समय नहीं है कि आप मेहंदी का घोल तैयार करें फिर वेट करें तो आप इस पपीते के जूस को ऐसे भी बालों में लगा सकते हैं और उसके बाद उसको वॉश कर सकते हैं महज़ आधे घंटे में ही कमाल का रिजल्ट शो करता है तो चलिए हम अपनी मेहंदी को तैयार करते हैं हमने इसमें पपीते का रस मिक्स कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसका घोल प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आपके पास पपीते के पत्ते नहीं हैं तो आप चाय का पानी भी इसमें डाल सकते हैं उससे भी बाल काले होते हैं तो इस तरह से हम मिला करके इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है इतना रखना है कि जब इसको बालों में लगाए तो ये अच्छे से पूरे बाल में लग जाए हमारा पेस्ट थोड़ा गाढ़ा था तो हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लिया और इसे एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे उसके बाद इसको ओवरनाइट ढक के रख देंगे देखिए ओवरनाइट इसको ढकने के बाद हमने लोहे का बर्तन यूज़ किया था इसलिए देखिए साइड साइड में काला पेस्ट तैयार हो गया है यानी इसमें लोहे का गुण आ गया है यानी इससे आपके बाल काले होंगे इसको लगाने से पहले एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसमें हमने थोड़ा दही भी ऐड किया है दही से बाल में शाइन आता है इसका एक और फ़ायदा है कि अगर आप मेहंदी को डायरेक्ट बालों में लगाएंगे तो बाल थोड़े से रूखे हो जाते हैं इससे बेहतर है कि आप उसमें दही या फिर एक थोड़ा सा तेल डाल दीजिए कोई सा भी तो उससे वो स्मूद हो जाता है बाल रूखे नहीं होते हैं तो हमने इसमें एक बड़ा चम्मच दही ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है चलिए अब इसको लगाने का प्रोसेस बताते हैं सबसे पहले बालों को बीच मांग करेंगे और दोनों साइड इस ब्रश से लगा लेंगे मांग के दोनों तरफ हमने मेहंदी अच्छे से लगा लिया है अब हम कंगी की मदद से दोनों तरफ के बालों के थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स लेंगे अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आप हाथों में ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हाथ में मेहंदी नहीं लगेगा तो हमने दोनों तरफ के बालों को ले लिया है और अब उसमें भी मेहंदी लगाएंगे और इसको थोड़ा दबा के लगाना है ताकि ये सारे बाल में अच्छे से लग जाए ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर लगे इसको पलट पलट के हर तरफ से हम अच्छे से लगाएंगे दोस्तों ये जो तरीका है इसमें आपको ना तो दस तरह के क्लचर लगाने की जरूरत है ना ही दस तरह के क्लिप रखने की जरूरत है आपका बाल खुद खुद सेट होता जाएगा बस आप इस मेथड को फॉलो करिए पहले इसको रूट्स में लगाना है अभी इसको पूरे लेंथ में हम लगाएंगे हमने बालों को ऐसे फोल्ड भी कर लिया है ताकि लगाने में इजी हो उस तरह से फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमा करके जैसे हम बन तैयार करते हैं उसी तरह से इसको गोल घुमाना है ये देखिए ब्रश की मदद से और ये जो बाल है पूरे लेंथ में हम इसमें फिर से लगाएंगे मेहंदी और इसको हमने ऊपर में एक बन बना दिया और क्योंकि मेहंदी है तो ये बाल खुद ही चिपक जाता है ऊपर एक छोटा सा बन बन जाता है अब हम साइड के थोड़े से बाल लेंगे और उसमें भी इसी तरह से मेहंदी लगाएंगे पहले रूट्स में लगाएंगे फिर उसका छोटा सा स्ट्रैंड लेंगे और फिर दूसरी तरफ लगाएंगे एक बार रूट्स में लग जाए उसके बाद हम फिर ओवर लेंथ इसको अच्छे से लगाएंगे तो बालों को हमने इस तरह से पलट लिया अब इसको ओवर लेंथ लगाएंगे उसके बाद जो हमने पुराना बन जो तैयार किया था उसी के चारों तरफ इसको लपेटेंगे तो हमें इसमें क्लचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको उसके चारों तरफ लपेट करके और मेहंदी से ही इसको चिपका देना है और ध्यान रखिए जहाँ पर आपके बाल सफ़ेद हों वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा मेहंदी लगाएं मेहंदी की कंसिस्टेंसी अगर अच्छी रहेगी तो आप यहाँ पर अगर आप दबा के लगाएंगे तो वो पूरे बाल में चला जाता है अंदर में भी चला जाता है अच्छे से तो इस तरह से हमने बन के चारों तरफ लपेट करके इसको लगा दिया और जो इसका एंड बचेगा उसको हम मेहंदी से इस तरह से चिपका देंगे तो इसी तरह से अब बीच के बाल हो गए और राइट साइड के बाल हो गए अब हम लेफ्ट साइड के बालों को के उ, को बन के ऊपर चिपकाएंगे दोस्तों बालों का केयर करना बहुत ज़रूरी है आप अपने शरीर का ध्यान तो रखते ही हैं शरीर को न्यूट्रिएंट्स देते हैं बालों को भी उतनी ही ज़रूरत होती है तो हफ्ते में एक दिन हमें बाल के लिए ज़रूर निकालना चाहिए आपको जो भी दिन छुट्टी मिले संडे या कोई भी दिन हो तो आप उस एक दिन अपने बालों को ज़रूर दें और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमने आपको ईजी मेथड बता ही दिया है मेहंदी लगाने का ये बहुत ही कारगर मेथड है इससे पूरे बाल में अच्छे से लग जाता है और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिधर बाल ज़्यादा उजले सफ़ेद हो वहाँ पर आप ज़्यादा लगाएं तो इसी तरह से मैंने नीचे के बालों को भी उनके पतले पतले स्ट्रैंड्स ले करके उनमें मेहंदी लगा करके उसको इस तरह से ऊपर चिपका दिया तो ये एक तैयार हो जाता है बन इसको लगाने के बाद हमें चार पाँच घंटे इसको छोड़ना है अब ऐसा नहीं कि आप चार पाँच घंटे बैठे रहेंगे आप कोई भी काम कर सकते हैं ये बिल्कुल नहीं हिलता है बाल आपका ऐसे ही चिपका रहता है तो आप इस चार पाँच घंटे आराम से काम करिए और इधर आपके बालों को पोषण भी मिलता रहेगा इसको वॉश करने के लिए पहले दिन आप सिर्फ पानी का यूज़ करें और फिर तेल लगा लें बालों में रात भर तेल लगाने के बाद अगले दिन दूसरे दिन आप शैम्पू से वॉश कर सकते हैं तो चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं ये बहुत इजी है बहुत कम टाइम लगता है इसमें आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं बस बाजार से नारियल तेल लीजिए इसके बहुत फायदे हैं ये बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल होता है एंटीफंगल होता है स्कैल्प के लिए बहुत ही हेल्दी होता है ये तो हम इसको लेंगे दो चम्मच मेरे बाल लंबे थे तो मैंने करीब दो चम्मच लिए इसके साथ ही हम दूसरा इन्ग्रीडियंट लेंगे वो होता है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल मार्केट में दो कलर में आता है एक होता है ग्रीन वाला और एक येलो वाला भी आता है येलो वाला जिसमें केसर मिक्स होता है पतंजलि में ये आता है इसको हम सिर्फ फेस के लिए यूज़ करते हैं तो इसको बालों में नहीं लगाना हमें ग्रीन वाला ही लेना है तो इसको भी हम उतनी ही मात्रा में लेंगे इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल के बहुत सारे फायदे हैं आप फेस पर तो इसको लगाते ही होंगे पर बाल के लिए ये ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और बालों को शाइनी भी बनाता है तो इन दोनों चीज़ों को हम ले लेंगे और इसको बस मिक्स कर लेंगे ये बहुत इजी है आपने देखा ना वर्किंग लेडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है हफ्ते में एक दिन इसको लगाएं और नहाने से सिर्फ पंद्रह मिनट या तीस मिनट पहले आप इसको लगाएं इतनी ही देर इस आपको बालों में लगा के रखना उसके बाद आप इसको किसी भी शैम्पू से वॉश कर सकते हैं ये बहुत ईजी मेथड है इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा आपको हर संडे इसको यूज़ करना है और आपको इसको डेली रूटीन में लाना है तब आपको अपने बालों में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा और इसको लगाने का मेथड भी बहुत इजी होता है आप जैसे नॉर्मल तेल अपने बालों में लगाते हैं वैसे ही लगा सकते हैं इसको दोनों हाथों की मदद से इसको रूट्स में भी लगाएं और इसको पूरे बाल के लेंथ में भी लगाएं और अपने बालों में फ़र्क देखें तो इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें थैंक यू